चार धमाका देखने वाले सारे दर्शकों देशी पत्रकार मनजीत चौहान रतने की तरफ से नमस्कार जय श्री राम। फिलहाल आप लोगों को दादी गोरी के मोहल्ले के अंदर मौजूद है और वहां पर आपने एक बार दिखा दूं कैमरा मैन दिखाऊंगा, एक बार पिछली साइड में दिखा भाई, जिस प्रकार आप देख सको भाई साहब लाखों की तादाद में जो है दादी गौरी के मेले के अंदर लाखों की तादाद में जो है भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालु है और जिनकी सुरक्षा के इंतजाम मैं बताऊँ भाई पूरा गाँव यहाँ पे मौजूद है। जिस भीड़ की सुरक्षा की बात करूं तो पूरा गांव जो है यहां पर मौजूद है और सुरक्षा कर्मचारी भी यहां पर मौजूद है और जिला प्रशासन की भी यहां पर सुरक्षा ली गई है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम है और सेवादार सेवा की भावनाओं से फुल जो है सेवा कर रहे हैं, फुल सेवा कर रहे हैं सेवादार भी। तो उसी के साथ में हमारे साथ में यहाँ के सुरक्षा कर्मचारी जुड़े हैं, उन तक बात करांगे। तो एक बार तो सारे दर्शकों ने दादी गोरी की राम राम कर दो जी, की राम राम। हाँ तो जी आज मतलब कितनी भीड़ आई है लगभग? बहुत ज़्यादा भीड़ आई है जी आज, तो तीन दिन अभी से लगा तो रोक लगने लग रही है बहुत ज़्यादा, इनकी सातम आठम और नौमी की जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें लगभग कितना गंदा था लगाया था, इसका कितनी भीड़ अब तक आ चुकी है? 10 लाख तक ऊपर हो गए जी, 10 लाख ऊपर ऊपर है जी प्लस में। हाँ जी भाई फिलहाल देख सको 10 लाख प्लस में यहाँ पर जो है श्रद्धालु आ चुके हैं, भगत आ चुके हैं, इतनी तादाद में यहाँ पे भीड़ है और जिला प्रशासन की यहाँ पर मदद ली गई है। तो उसके साथ में हमारे ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करांगे। तो मतलब ये कितने साल तक भर रहा है जी मेला साहब? ये जब से दादी गोरी आई है तब से बहुत सालों से मेला भर रहा है, पुलिस प्रशासन का कमेटी का और गाँव का तो समर्थन का पूरा सहयोग मिल रहा है, मेले में कोई तकलीफ नहीं है, श्रद्धालु की तरफ से आ रहे हैं जा रहे हैं और मेला का आनंद उठा रहे हैं। और जैसा कि सुरक्षा कर्मचारी भी जो है यहाँ पर मदद कमेटी बनी हुई है भाई, जोगिंदर सिंह है कमेटी अध्यक्ष है, बाकी कमेटी अध्यक्ष है और पुलिस कमेटी का है, समर्थन पूरा मिला सहयोग गांव से मिला हुआ है। और बात करा तो मतलब सुविधा की जहाँ पे ये श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाओं की व्यवस्था की गई है? पंखे की, कूलर की, पानी की सब सुविधा है, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। और जिस तरह से अगर मतलब कोई बीमार आदमी अगर आ जाता है लाइनिंग में मेडिसिन लगा हुआ उसके लिए जाता है तो उसकी किस प्रकार आप वो करते हो लाइन के लिए? बीमार आदमी अगर आ जाता है लाइन में अगर श्रद्धा अच्छा उसकी अलग से लाइन, जैसे कोई बीमार आदमी आता है उसको अलग से सुविधा दी गई है, प्रबंध किया हुआ है वो छोटे छोटे बच्चे की बात ना तो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आती है, महीना का 1.5 महीने का 2 महीने का बच्चे को लेकर जिला हिसार से जहाँ की मैं बात करूँ तो पूरे हरियाणा प्रदेश से नहीं पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में दादी गौरी की इतनी मान्यता है जिसकी मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। उसी के साथ में हमारे और भी श्रद्धालु जुड़े उनसे कमेटी के युवा साथी जुड़े उनसे बात करेंगे। तो मतलब आज कमेटी की किसी की व्यवस्था करी गई? हमारे विजेंद्र शर्मा जी हैं कमेटी के प्रधान, उसने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जैसे खाने की है, रहने की है और नहाने धोने की, अपने जो सदस्य आते हैं ना यात्री उनकी भी सब व्यवस्था कर रखी की बात करें तो इतनी तादाद में भीड़ है, कितनी भीड़ आई होगी? बहुत ज़्यादा भीड़ आई होगी। जिस प्रकार आज हम तो आज पहुँचे हैं, मेरा तो 2 दिन से चल रहा है लगातार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अंदाज कितनी आई होगी? लगभग 3 दिन हो गए, मान लो लाखों से आदमी आ रहे हैं। कमाल है भाई। और अभी तो मान लो 3 दिन से लाखों से आ गए, कल फिर और आएंगे यात्री तो रात तक मेला चलेगा। दादी की कृपा से, दादी गोरी की कृपा से बनी रहे, भीड़ मेला का फूल चालू है 3 दिन से, 7, 8, 9 से। और अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों के माध्यम से यह सुविधा बढ़ाए रखे तो तुमको और सुविधा है तो पब्लिक की डिमांड है वो बनी रहे, दादी गोरी अच्छी तरह दर्शन करे, कोई शोर शराबा और दर्शन श्रद्धालुओं का मतलब
सहयोग कैसा मिला? बहुत अच्छा मिला जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मिला जी, बहुत अच्छा मिला। सुको आप भाई ऐसा धमाका न्यूज फिलहाल लाइव जुड़ रहे हो, जहाँ मतलब कमेटी के सचिव और सुरक्षा कर्मचारियों ने भी बताया भाई यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु का भी बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है। इसी के साथ में बने रहिए ऐसा धमाका न्यूज, जय हिंद जय भारत। Thank you.